भोपाल पर्यावास नर्मदा भवन में श्री दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष नवरात्र का पर्व धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। समिति के संयोजक बलवंत सिंह रघुवंशी ने बताया कि पर्यावास भवन के सामने विराजित होने वाली माता दुर्गा की स्थापना लगभग 25 वर्ष पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर की थी, जिसमें वर्तमान में लगभग 28 से 30 सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर दुर्गा स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जो माता रानी की प्रतिमा छिंदवाड़ा से मंगाई गई है, यह मां की प्रतिमा जीवन स्वरूप में है, भव्य और दिव्य है। साथ में 9 विद्वान ब्राह्मण आचार्य प्रदीप शास्त्री जी के मार्गदर्शन में शचंडी पाठ करेंगे एवं देवी जागरण होंगे। वहीं 1008 दीपकों से विशाल महाआरती आयोजित होगी। मैं बलवंत सिंह रघुवंशी, संयोजक पर्यावास नर्मदा भवन श्री दुर्गा उत्सव समिति। हमारी समिति पिछले 25 वर्षों से माता रानी की यहाँ पर्यावास भवन के सामने प्रांगण में भव्य स्थापना करती आ रही है। इस वर्ष जो माता रानी की मूर्ति है, निश्चित रूप से पिछले वर्ष आपने देखा होगा वीडियो में, पूरे मीडिया में ये मूर्ति वायरल हुई थी और हमारी समिति ने उसी समय निर्णय कर लिया था कि हम मूर्ति अगली वर्ष छिंदवाड़ा से ही मंगाएंगे। और जो मूर्ति आप जीवंत मूर्ति देख रहे हैं, यह मूर्ति दिघोरी ग्राम छिंदवाड़ा से यहाँ लाई गई है। हमारे संयोजक और सलाहकार भाई मेघराज यादव जी कल बाई रोड मूर्ति को लेकर आए हैं। हमारी समिति के आचार्य पंडित प्रदीप शास्त्री जी, अध्यक्ष भाई गजन कोठारी, बहन अलका मुकाती जी और परमजीत लूथरा, ऐसे सभी हमारे सहयोगियों को विशेष प्रेम से और विशेष उनकी इच्छा के कारण माता रानी की मूर्ति हम 313 किलोमीटर दूर से यहाँ लेके आए हैं। और निश्चित रूप से भोपाल में यह पहली जीवंत प्रतिमा होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हमारे राजधानी भोपाल के निवासियों से, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे माता रानी की यहाँ स्थापना होगी और 6-6:30 बजे के बीच में माता रानी की पहली आरती होगी। आप सभी भोपालवासी, सभी धर्मप्रेमी बंधु, और एक विशेषता और हमारी झांकी की है, यहाँ इस मूर्ति झांकी पर सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के हैं। 28 से 30 विभाग हैं, पर्यावास भवन, नर्मदा भवन, हमारे HDFC बैंक, निर्वाचन भवन, ऐसे अनेक कार्यालय हैं। उन्हीं कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी, माताएं बहनें मिलकर 9 दिन तक माता रानी की स्थापना करते हैं और माता रानी की भेंटें यहाँ गाती हैं। सभी कार्यक्रम हमारे दोपहर के टाइम में होते हैं, क्योंकि सभी कार्यालय सरकारी कार्यालय हैं। आखिरी दिन जो भंडारा होता है, वो विशाल भंडारा जिसमें 6 से 7 हज़ार लोगों का प्रसादी होती है। हमारी समिति का है प्रयास है कि इस वर्ष भोपाल में और अच्छे से हम इस कार्यक्रम को मना सकें। जय माता की, जय माता की। ये यहाँ पर जो श्री पर्यावास नर्मदा भवन दुर्गा उत्सव समिति है, ये पिछले 25 साल से यहाँ पर माँ जगदम्बे की स्थापना होती हुई आ रही है, जिसमें हम प्रथम वर्ष से ही यहाँ पर हैं। प्रथम वर्ष से ही ये कार्य हम करते आ रहे हैं। पिछले 3 वर्ष से माँ जगदम्बे का शचंडी पाठ 9 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। पूरे यज्ञ मंडप जैसे पूरे मंडल विधान यहाँ पर बनाए जाते हैं और माँ जगदम्बे की आराधना बड़े ही विधि विधान से यहाँ पर की जाती है। साथ ही यहाँ पर सभी माता बहनें, जो हमारी कर्मचारी माता बहनें हैं, अधिकारी इत्यादि, वो आकर यहाँ पर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक भजन करते हैं, माँ की बैठक आते हैं और महाआरती यहाँ की बड़ी दिव्य होती है, जिसकी प्रशंसा करना बिना देखे असंभव है। आपको देखना चाहिए। बड़े ही दोपहर में बड़े विधि विधान से 11 प्रकार की आरतियों से आरती होती है और इस प्रकार हम कार्यक्रम करते हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।